मैं ग्राम शक्ति सी हूँ और ब्लॉक मड़ारा से मैं तरंग परियोजना में जब से जुड़ी हूँ तो मुझ में कुछ बदलाव और मेरे गांव में कुछ बदलाव हुए। जैसे कि जो किशोरियाँ स्कूल नहीं जाती थी, उनके माता पिता नहीं भेजते थे, बहुत भेदभाव होता था लड़की लड़की में, लड़का और लड़की में, और वे बाहर नहीं निकलने देते थे। जब तरंग परियोजना से जुड़े हम लोग, पूनम दीदी गांव गई, उनने हमें बताया कि ये आपके अधिकार हैं, आपको अधिकार मिलना चाहिए, जो आपके अधिकार हैं, जो आपकी अपेक्षाएं हैं वो पूरी करना चाहिए आपको, जैसे पढ़ने की या कुछ भी। जब हम गए तो दीदी ने, लोगों ने हमें बताया तो हम भी पढ़ने जाने लगे। या और फिर जो गांव की लड़की नहीं जाती थी, उनसे भी बोले, बातचीत की कि तुम्हें पढ़ना है, बोली हाँ। फिर उन बहुत किशोरी बैठ के उनसे भी बात की, फिर उनकी दीदी और हम लोग किशोरी उनके माता पिता से भी बात की कि जो आपकी बच्ची पढ़ना चाहती है उसे पढ़ाओ, आप मना मत करो। और उनके माता पिता ने जाकर, वह हम लोगों ने जाकर उनका स्कूल में नामांकन कराया। जो लड़की नहीं जा पाती थी, घर के अंदर कैद रहती है, उसको कोई जानकारी नहीं रहती, हमने सब के बारे में बताया और अपनी लड़की को बाहर भेजना चाहिए जो उसे हर कोई की जानकारी हो, वो अपने बच्चों की भी फिर जानकारी दे सके, आगे को बढ़ा भी सके, आगे जो चलकर उसको नहीं मिलेगी तो वो अपने बच्चों को कैसे बताएगी, हर इसके बारे में जानकारी दी।